बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है ना वो कर रहे थे कवर के तरह तरह के सेट्स के कौन कौन से होते हैं, सेट्स की एग्ज़ाम क्या होती हैं। तो उनमें हमने एक टॉपिक कवर किया था पावर सेट, आपको याद होगा पावर सेट, उर्दू में भी उन्होंने इसको पावर सेट ही लिखा हुआ। अच्छा, पावर सेट के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर किसी सेट के अरकान की तादाद, इनके मेंबर्स कह लें, एलिमेंट्स की तादाद के हो, यानी कि ये देखें जैसे 1, 2, 3, 4 है, तो इस केस में ना के बराबर है 4 के। तो उन्होंने कहा था कि पावर सेट जो होगा ना, जैसे जैसे मेरा ख्याल है कि मैं इसको नाम दे लेता हूँ ए सेट का, तो पावर सेट जो ए का होगा ना, इसके जो अरकान की तादाद होगी ना वो 2 रेज़्ड पर k होगी। तो उसके मुताबिक 2 रेज़्ड पर 4 जो है ना, 2 × 2 × 2 × 2, तो ये बन जाता है 16। यहाँ तक तो बहुत आसान है, इसके आप पावर सेट बनाएं तो मतलब इतनी मुश्किल नहीं होगी, आप नस्बतन आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जब बात ज़रा ऊपर चली जाती है ना, जब के बराबर है 5 हो जाता है ना, तो फिर आप देखें कि ये बड़ी जल्दी नंबर बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है, और ये एकदम से 16 से एकदम जम करके 32 आ जाता है। तो समझने की कोशिश करें कि यहाँ तो सिर्फ एक और एलिमेंट का इजाफा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये 32 हो गया जो कि 16 × 2 है। दूसरे लफ्ज़ों में सिर्फ एक के इजाफे से यहाँ जो आपने पावर सेट है उसके एलिमेंट्स की तादाद डबल हो गई है, और आप मज़ीद आगे जाएं तो उससे भी डबल होती जाएगी। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि फिर आपको ना थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी कि अच्छा ये कैसे बनाएं, ज़रा बड़े ध्यान से बनाने पड़ते हैं इसके लिए। तो मैं काफ़ी देर इस पे सोचता रहा था कि कुछ निस्बतन ज़रा आसान कोई विजुअल सा तरीका होना चाहिए, कोई सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए जिसके तहत आप जो ना पावर सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख सकें। तो जो आज की वीडियो है ना, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पे हम टाइम लगाएंगे कि पावर सेट के जो एलिमेंट्स हैं ना उसको लिखने का सिस्टमेटिक और मैकेनाइज तरीका क्या है, ताकि आप सारे के सारे लिख सकें और आपको मुश्किल भी पेश ना आए, आप कोई मिस ना करें। ज़रा इमेजिन करें कि आपको मैथ्स के पेपर में वो एक क्वेश्चन दे देते हैं जी, कि आप मिसाल के तौर पे यही है जी कि 1, 2, 3, 4 और 5, आप इसका जनाबे वाला ये ए है, ठीक है, कहते हैं जी इसका पावर सेट लिखें, वो क्या होगा। अब आपको पता है कि पेपर गालबन 3 घंटे का होता है, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, ठीक है ना। तो देखने में सवाल तो बहुत आसान है कि आप पावर सेट लिखें, लेकिन अगर आप इसके पूरे ना लिख पाएँ तो आपके नंबर कट जाएंगे ना, और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके नंबर्स पूरे आने चाहिए। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रख के तो मैं आपको ना एक मैकेनाइज तरीका बताता हूँ, होपफुली आपके लिए ना बड़ा यूज़फुल साबित होगा। तो हम यूँ करते हैं कि इसी को ले लेते हैं, ये जो एग्ज़ाम्पल हमने शुरू की थी ना, 1, 2, 3, 4 और 5, लेट्स से कि सेट ए है, ठीक है। अच्छा, इसके दो अरकान तो बहुत ही सीधे सादे हैं, ठीक है। मैं आप सीधे सादा जो ना पावर सेट, मतलब पावर सेट लिखने की बजाय ना सीधे सादा इसके जो सबसेट्स हैं ना वो लिखने लगा हूँ, तो फिर बाद में उसको पावर सेट बना लेंगे, आपने सिंपली एक ब्रैकेट्स लगानी होती हैं, वो बन जाता है। तो देखें, एक तो इसका सबसेट जो होगा ना वो ये होगा एम्प्टी सेट, ठीक है, और दूसरा होगा ये सारा का सारा सेट खुद से आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो आसानी से आपने दो बना लिए, ठीक है। अब आप इससे ज़रा आगे चलें, ये मैं ब्रैकेट इसलिए, ये ब्रैकेट मैं इसलिए नहीं लगा रहा कि मैं इसको ब्रैकेट में करना चाह रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ये इनका टोटल इस चीज़ का दो है, यानी कि एक ये है और एक ये है, तो ये दो टोटल आ गया, और आपने 32 बनाने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब
उससे जो अगला वाला है ना वो तो बहुत ही आसान है, पांच आसानी से बन जाते हैं। वो क्या है, एक, ठीक है, सबको एक एक दफ़ा लिख दें, ये मैं कॉमा पता नहीं क्यों लगा रहा हूँ, मुझे नहीं लगाना चाहिए, इसको मैं अरेज कर देता हूँ। और ये 5, तो ये वाले भी आपने 5 लिख लिए। अब 7 अभी सिर्फ हुए हैं और आपके पास अभी 25 लिखने वाले बाकी हैं। अब जो मैं आपको तरीका बताने लगा ना, वो अब यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ तक तो बड़ी आसानी से सब लोग कर लेते हैं। अच्छा, अब 5 है ना एलिमेंट्स, तो आप ना इमेजिन करें कि एक आपके पास ना पेंटागॉन है, ठीक है। आप पेंटागॉन, ये पेंटागॉन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके 5 है, 1 2 3 4 5, इसकी 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी 5 साइडें हैं, ठीक है। तो हर साइड पे ना तरतीब में एक एक एलिमेंट जो इस ए सेट का ना वो लिख दें। ठीक है जी, ये लिखा गया। अच्छा, अब ना ये तो एक एक वाले हो चुके हैं, अब हम आपको पता है कि हमने दो दो वाले लिखने आ गए। अच्छा, आप इमेजिन करें कि आप यहाँ से शुरू करते हैं, आप समझें कि इसको ना एक एक बेस बना लें, समझें कि आपकी ये पेंटागॉन की साइड जो नहीं, आपकी एक तरह से एक बेस है। तो तरीकाकार ये है कि इस चीज़ को बेस मान के ना आगे सर्कल में रोटेट करते जाएं ऐसे करके, ठीक है। तो इस बेस के साथ इसको लें, फिर इस बेस के साथ इसको लें, फिर इस बेस के साथ इसको लें, और फिर इस बेस के साथ इसको लें। तो मैं आपके सामने करता हूँ। तो बेस हमारी 1 है ना, तो 1 के साथ 2 को ले लें, आप फिर 2 ले लिए, आप बेस 1 ही रख के आगे 3 को ले लें, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे सर्कल में चल रहे हैं। 3 वाली साइड ले ली, फिर उसी तरह बेस 1 को लेके, बेस आपकी वो 1 ही है अभी तक, आप 4 को ले लें, ठीक है जी। फिर जनाब बेस वही 1 है और आप ना 5 को ले लें, ठीक है। अब 1 को, अब यहाँ तक आपने पूरा सर्कल मुकम्मल कर लिया ना, 5 तक आ गए, अब आगे तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि 1 के साथ 1 तो आप नहीं ले सकते। 1,1 लेंगे तो वो बेसिकली 1 नहीं होगा, जो कि यहाँ पे आ चुका है, लिहाजा आपको यहाँ रुक जाएं। अब आप जनाबे वाला इस बेस को भूल जाएं, अब आप अगले वाले बेस तब्दील करें, इसको छोड़ दें, ठीक है। अब आपकी बेस जो है ना वो ये बन गई है, इससे आगे सर्कल में चलें तो आगे 2 आता है ना, तो ये 2 आपकी ना बेस बन गई। आप 2 को बेस बना के आगे चलना शुरू, पीछे नहीं जाना, क्योंकि 2,1 अगर करेंगे तो 1,2 पहले लिखा जा चुका है, तो 2,1,1,2 में फ़र्क नहीं। तो इसी इसी डायरेक्शन में, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आगे चलें, तो 2 के साथ 3 लगा लिया, फिर 2 को ही बेस बना के आगे 4 लगा लिया, फिर 2 को ही बेस बना के आगे 5 लगा लें। अब आपने 5 तक रुक जाना, 1 नहीं लाना, 1 को नहीं लेना, क्योंकि अगर आप 1 को लेंगे ना तो 2,1 बनेगा, जो कि 1,2 ही है, लिहाजा आप 5 तक रुक जाएं, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया। अच्छा जी, अब ये भी आपकी बेस ने आपका पूरा साइकिल मुकम्मल करवा दिया है, तो अब इसको भी छोड़ दें बेस। अब जनाब आप इसको बेस लें, इस साइड को, तो जब आप 3 को बेस लेंगे तो 3 के साथ आगे 4 आ जाएगा, 3 के साथ आगे 5 आ जाएगा, ठीक है।
आप 3 के साथ आगे 1 लेंगे ना, तो 1 3 और 3 1 में कोई फ़र्क नहीं, लिहाजा आप नहीं लेंगे। ये भी आपका मुकम्मल हो गया। आप जनाब, आप इस बेस को मैं डिलीट करने लगा हूँ, ठीक है, और अब हम बेस बनाते हैं 4 को। तो 4 को बेस बना के आप सिर्फ 5 ही आगे ले सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप 4 के साथ 1 लेंगे तो वो 4 1 1 4 में कोई फ़र्क नहीं, लिहाजा आप उसका भी कुछ नहीं कर सकते। तो आप ये देखेंगे आपके पास कितने आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपने ये 10 बना ली, ठीक है जी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि पहले आपने 1 को बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद, बेस बनाने का मतलब ये है कि इसको कांस्टेंट कर लिया, और उसके बाद मैं उसे बेस कह रहा हूँ, ठीक है। और कांस्टेंट करके आप तो आगे जो ये जो आपकी पेंटागॉन है ना, उसके एक एक साइड को लेते जाएं। तो 1 को लिया, 1 के साथ 2 का पेयर बना, 1 2 आ गया, फिर 1 को कांस्टेंट रख के, या बेस रख, बेस वही रहेगी, आप 3 ले लें, सो 1 3 1 3, फिर इसी तरह 1 4 और 1 5, 1 4 1 5, फिर ये बेस ख़त्म हो जाएगी, फिर ये बेस बन जाएगी अगली वाली 2 वाली। तो 2 को बेस में आके 2 3 2 4 2 5, 2 3 2 4 2 5, फिर जब 2 की सर्कल पूरा हो गया, 3 को लें, 3 के साथ 3 4 और 3 5, 3 4 3 5, जब 3 का भी ख़त्म हो गया तो आगे 4 को बेस बना लें, तो 4 के साथ सिर्फ 4 5 आएगा, 4 1 नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो 1 4 ये लिखा हुआ। तो इस तरह एक ये ना एक सिस्टमेटिक और एक एक मैकेनाइज तरीका है जिससे आप ना भूलेंगे नहीं, ठीक है। वैसे तो आप ना 1 2 1 3 1 4 1 5 इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ना इंसान भूलता नहीं है, क्वेश्चन जल्दी इंशाल्लाह आपके होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने अभी तक 17 बना चुके हैं, ठीक है, अभी भी आपके 25 पूरे पड़े हुए हैं, लिहाजा भी बहुत ज़्यादा बाकी हैं, ठीक है। अब हम इसी तरीके को लेंगे और उसको इस आईडी को, इस कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो वही मैंने पेंटागॉन बना दिया। तो जी ये आपकी साइड 1 वाली थी, ये 2 वाली, ये 3 वाली, ये 4 वाली और ये 5 वाली। अच्छा, पहले आपने क्या किया था कि एक चीज़ को भी, एक साइड को बेस बनाते थे और उसके बाद उसके आगे एक एक पिक करते जाते थे। अब आपने क्या करना है कि जो बेस बनानी है ना, इधर मैं बल्कि दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ, इसके साथ फिर खाली ये ठीक रहेगा। अब आप बेस बनाएं इसको, एक को किसी भी को, मतलब शुरू करें, 1 से शुरू करते हैं, साथ आप उसके ना, अब आप एक बेस के कॉन्सेप्ट को ना आप एक्सपेंड करें। पहले आपने बेस में एक साइड लेते थे ना, अब बेस में आप जो है ना इसी को बेस माने, साथ एक नई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पार्टनर का। तो इस बेस के साथ आप इसको पार्टनर बनाएं, ठीक है, ये आपकी बेस है, ये आपका पार्टनर है। तो बेस के साथ पार्टनर लेके तो आगे उसी तरह सर्कल में कंटिन्यू करें। तो जी क्या होगा, 1 2, तो आगे 3 आ जाएगा ना, ये आपकी बेस है, साथ आपने एक पार्टनर बना लिया। इधर पार्टनर का कॉन्सेप्ट नहीं था, आपने बेस लिया साथ एक पार्टनर, अगली साइड को पार्टनर बना लिया, ठीक है, और उसके बाद एक एक साइड पिक करके सर्कल में चलते गए। नहीं समझ आ रही, कोई मसला नहीं, जब पूरा करेंगे ना तो आपको पूरा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो 1, अब मैंने बेस पार्टनर वही है ना, तो मैंने ये साइड 3 ले ली है, अब मैं साइड अगली 4 लूँगा, तो 1 2 4 और 1 2 5,
ये मेरा बेस, ये पार्टनर, देखें बेस पार्टनर बेस पार्टनर बेस पार्टनर वही है तीनों में, ठीक है। आगे सर्कल में 3 4 5, ये 3 4 5 मैंने ले लिया, काम हो गया आपका यहाँ तक। अब जनाब आप ये करें कि बेस उसी को रखें, पार्टनर चेंज करें, ये देखें। अब आपने इस बेस के साथ जो पार्टनर लेना है ना, वो ये वाला लेना, बल्कि अगर कहें तो मैं इधर लिखता भी जाता हूँ, इसके साथ पार्टनर पहले 2 आया था, वो मैंने कर लिया, अब पार्टनर इसके साथ 3 आया, ठीक है। तो उसी तरह बेस लिखें पहले, जो कि आपका 1 है, पार्टनर आपका 3 है, और आगे फिर उसी तरह सर्कल में अगली साइडें लेते जाएं, तो 1 3 5। इसी तरह अगला वाला क्या होगा, 1 3 सॉरी 1 3 4 था, 1 3 4 मैंने लिख लिया, अगला 1 3 5, ठीक है। अच्छा अब आपने ये साइड पहले बेस ली थी, फिर ये साइड, सॉरी पहले ये साइड बेस थी, ये पार्ट, ये वाली साइड पार्टनर थी, यहाँ तक लिखा, फिर आपने इस साइड को पार्टनर लिया और 4 और 5 के साथ बनाया 1 3 4 और 1 3 5। अब लॉजिकली आपको समझ गए होंगे कि अब पार्ट बेस वही रहेगी, पार्टनर अब ये वाली साइड हो जाएगी, तो आपकी ये साइड पार्टनर आ गई, ठीक है। तो इसके साथ जब आप बनाएंगे तो 1 बेस का, पार्टनर 4 आपका, और आगे आप सर्कल में चलेंगे तो आगे सिर्फ 5 आएगा, इससे आगे नहीं जा सकते इस बेस के साथ, क्योंकि इस बेस के साथ 1 4 5 5 से आगे आप मज़ीद क्या जाएंगे, अगर आप इसको पार्टनर बनाएंगे ना तो फिर 1 5 1 हो जाएगा, जो कि बेसिकली 1 5 ही, और 1 5 हम यहाँ लिख सके हैं, ठीक है। तो बेस ये रख के पार्टनर पार्टनरशिप यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी, आगे पार्टनरशिप नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आप करेंगे तो ये 1 5, फिर अगला वाला जो लेंगे साथ तीसरा, तो वो 1 ही लेंगे, तो 1 5 1 बेसिकली 1 5 ये, जो कि यहाँ पे, लिहाजा आपका इस बेस के साथ जितने आप मैक्सिमम बना सकते थे आपने बना लिए। देखें इसमें ये बेस देखें 1 1 1 1 1, लिहाजा आपने इस बेस के साथ मैक्सिमम पॉसिबल बना लिए हैं, ठीक है। अब नाबे वाला आगे चलते हैं, आई एम श्योर, बल्कि मैं यहाँ थोड़ा सा 1 सेकेंड लिख दूँ। पहले 2 को बेस बनाया, सॉरी 1 को बेस बनाया, 2 पार्टनर था, फिर आपने 3 पार्टनर लिया, उसकी पार्टनरशिप भी ख़त्म होगी, फिर आपने 4 पार्टनर लिया और 4 की भी पार्टनरशिप ख़त्म होगी बाद में, ठीक है। अब हमने ये बेस ख़त्म कर देनी है, इस पार्टनर को भी फ़िलहाल ख़त्म कर दें। अब पहले ये बेस थी ना, तो आप अगली साइड बेस बनाएंगे 2, ये आपकी बेस आ गई, तो उसी तरह कॉन्सेप्ट चलेगा, ये बेस है तो साथ उससे अगला वाला पहले पार्टनर ले लें, ठीक है। तो क्या होगा, 2 3, फिर 2 3, उसी तरह फिर इसके साथ एक एक पिक करते जाएं सर्कल में, 2 3 4 और 2 3 5, ठीक है, 2 3 4 और 2 3 5। अब 2 3 5 के बाद 2 3 1 नहीं करेंगे, क्योंकि 2 3 1 जो है ना, वो 1 2 3 है, जो कि आप पहले लिख चुके हैं, लिहाजा इस पार्टनरशिप की भी मैक्सिमम पॉसिबल ख़त्म हो गई। अब आप लॉजिकली क्या करेंगे, फिर इस पार्टनरशिप को ख़त्म करेंगे और आप इस बेस की पार्टनरशिप आप अगले वाले के साथ शुरू करेंगे, तो आप देख रहे हैं ना कि बेस बेस जो है ना, वो भी रोटेट कर रही है जब पूरा कुछ हो जाता है, और इसी तरह पार्टनरशिप भी आगे चलती है। अच्छा आप बेस 2 पार्टनरशिप के साथ 4 के साथ, अगला क्या आएगा 5, ठीक है, 2 4 5। आप देखें 2 4 5 हमने लिख लिया, अब क्या हम 2 4 1 करेंगे, नहीं, क्योंकि 2 4 1 करेंगे ना तो वो ये चीज़ है, आज जो आप कर चुके हैं 1 2 4 या 2 4 1 एक ही बात है, लिहाजा ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। तो यह मैं लिख दूँ कि पहले 2 की हमने पार्टनरशिप 3 के साथ की थी, फिर पार्टनरशिप हमने 4 के साथ की,
वो भी ख़त्म हो गई, ठीक है ना, मुकम्मल हो गया। मतलब हमने इस काटने का मतलब ये कि वो साइकिल मुकम्मल हो गया, मैक्सिमम पॉसिबल लिख लिया हमने। तो जनाब आप समझ गए होंगे कि अगला स्टेप क्या होगा। अब हम बेस को चेंज करेंगे। तब मैं ना 3 को बेस बनाने लगा हूँ, ठीक है, और इसकी पार्टनरशिप इसके साथ। तो 3, 4 और आगे साइकिल में 5 आएगा ना, वो जी ये भी हो गया। आप 3, 4, 5 किया, आप 3, 4, 1 करेंगे? नहीं, क्योंकि 3, 4, 1 जो है ना 1, 3, 4 ही है जो कि हम पहले कर चुके हैं। लिहाजा इस बेस की सिर्फ एक ही पार्टनरशिप हुई जो कि 4 के साथ ही। 5 के साथ इसकी पार्टनरशिप करेंगे तो आपको बताता हूँ क्या होगा। अगर आप इसकी इसके साथ पार्टनरशिप करेंगे ना, तो 3, 5 की तो आप 1 लेंगे ना, 3, 5, 1 जो कि 1, 3, 5 ही है जो कि यहाँ आप कर चुके हैं। लिहाजा इस बेस की पार्टनरशिप सिर्फ एक ही बनती 4 के साथ, और साइकिल में भी सिर्फ एक ही आता, लिहाजा इसका काम ख़त्म हो गया। अच्छा जी, अब आप देखें कि आगे क्या रह जाता है। आगे हमारे पास अगर आप सोचें तो यू नो आप कहेंगे अच्छा भाई इसकी आप बेस बना दें, तो लामहाला अगली पार्टनरशिप पकड़ेंगे ना आप। तो अगर ये करेंगे तो 4, 5, 7 अगला फिर जो तीसरा ये बेस ये पार्टनरशिप और अगला साइकिल में 1 पकड़ेंगे ना, तो 4, 5, 1 तो वो 1, 4, 5 से पहले ही आपके पास है। लिहाजा आप इससे आगे आपकी जो है ना वो बेस या पार्टनरशिप का साइकिल नहीं चलेगा, वो ब्रेक हो गया, क्योंकि फिर वो रेपुटेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका काम ख़त्म हो गया। तो ये जो मैंने लिखे थे ना, ये इसीलिए लिखे थे कि आपको बाद में पॉइंट आउट करवाऊंगा। ये पैटर्न देख लें, 1, 2, 3, 4, इसमें 2, 3, 4, ये पहले 3 आए, 2 आए, 3 के आगे 4 आता है ना, ये देखिए 1 के आगे 2, 3, 4, 2 के आगे 3, 4, 3 के आगे 4, और यहाँ 3 पार्टनरशिप बनी या 2 बनी या 1 बनी, और यहाँ पे फिर मतलब 0 पार्टनरशिप, यानी कि कुछ भी नहीं होगा। तो एक तरह से एक पैटर्न सा बनता। तो जनाब आप ये काउंट करें, आपने कितने बनाए हैं? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करके आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने 10 और बना लिए। मैं इसमें से 10 निकालूं, अभी भी मेरे 15 बचे हुए हैं। ठहरे ज़रा, मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, मेरा ख्याल मैं गलत किया है। यहाँ बनाना चाहिए, तो मैंने 10 बना लिए, बाकी मेरे 5 बनाने वाले बाकी हैं, ठीक है ना। ये इनको छोड़ दें, एक वाले बनाए, दो वाले बनाए, तीन वाले बनाए जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास वो रह गए जिनमें हमने 4 वाले बनाने हैं, ठीक है, 4 वाले। तो 4 वाले सिर्फ हमने 5 बनाने हैं। मैं अगले पेज पे चलता हूँ। वही अब मैं पेंटागॉन बना रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, कॉन्सेप्ट जनाब वही है, सिर्फ कॉन्सेप्ट में इस लेवल पे थोड़ी सी आप कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड ये करेंगे जनाब के ये आपका पहले आप क्या करते थे, मैं पिछले पेज जाता हूँ। इसमें एक बेस होती थी, इसमें पार्टनरशिप आई, इसमें आप दो दो बेस बनाएंगे, एक ये बेस है, एक ये बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, और आप इसकी आगे पार्टनरशिप चलाएंगे तो ये पी आ जाएगा, और आगे फिर साइकिल मुकम्मल करेंगे। तो क्या होगा, 1, 2 कॉमन होगा, 3 के साथ पार्टनरशिप है तो आगे चौथा 4 ही आता। इसी तरह दो बेसिस है ना आपके, 1 और 2 बेसिस आगे, 3 के साथ पार्टनरशिप है, और आगे 4 वाला आप कर चुके हैं, अब 5 आगे आ जाएगा। अच्छा जी, अब बेस 2 ही है ना आपके, इस पार्टनरशिप के साथ आपका काम ख़त्म हो गया ना, तो इस पार्टनरशिप को मैं अरेज करने लगा हूँ इस वक्त। इधर पार्टनरशिप करने लगा हूँ, इधर पार्टनरशिप करूँगा तो वही 1 और 2 मेरे बेस के तहत आ जाएंगे, पार्टनरशिप मेरी 4 के साथ है, और सर्कल में 5 आगे आ जाएगा, ठीक है, होगी जी बात मुकम्मल।
अच्छा जी, अभी आपके 3 बने, अभी 2 आपके बनने वाले बाकी हैं। नोट करें यहाँ पे बेस आपका 1 और 2 है, ठीक है, सही है। और आपने पार्टनरशिप, ये आपकी बेस है, मैं सर्कल एक तरह से लगा देता हूँ, पिछले वालों में भी लगाता हूँ कि आपका ये बेस था, ये बेस था, यहाँ पे ये बेस था, ठीक है। यहाँ आप पे आपके बेस 1 और 2 हैं, पार्टनरशिप आपने 3 के साथ की थी, ठीक है, और बाद ये 3 का कर लिया, फिर आपने पार्टनरशिप 4 के साथ की थी, ठीक है, तो आपने ये 3 लिख लिए, ठीक है। अब जनाब आप नोट करेंगे कि अगला पैटर्न क्या होगा, कि ये बेस जो है ना, इससे आगे पार्टनरशिप तो नहीं ना चल सकती इस बेस की, तो हम बेसिस को तब्दील करना पड़ेगा, तो आप बेस को रोटेट कर देंगे, ठीक है। तब आप बेस को रोटेट करेंगे ना, तो मे बी आपको ये बड़ा लेंथी लग रहा हो, कुछ लग रहा हो, लेकिन एक दफ़ा आपको समझ आ जाए ना, तो फिर मेरा मकसद ये है कि ये फ्रेमवर्क के तहत आपने जब 32 लिखने होंगे ना, इसके मेंबर्स एलिमेंट्स, वो आप कोई मिस नहीं करेंगे और जल्दी लिख लेंगे, सिर्फ मैं इस चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका जी बेस हो गया, ठीक है जी, और अगला बेस ये हो गया, ये भी बेस है, तो बेस क्या हो गया, 2 और 3। पार्टनरशिप अब आप किसके साथ, 4 के साथ करेंगे, तो उसके तहत आपके जो बनेंगे ना, 2 3 फिक्स हो गए बेस वाले, पार्टनरशिप 4 के साथ है, तो आगे 5 आता, 2 3 4 5। आप 2 3 4 5 हो गया, आप आगे पार्टनरशिप करेंगे तो फिर 1 पीछे आ जाएगा, फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, वो क्या होगा, 2 3 5 1, तो ये 2 3 5 1 रिपीट होगा, लिहाजा आप ये काम ख़त्म हो गया इसका। अब आप जनाबी वाला बेस और को आगे रोटेट करेंगे, अब आप ये बेस बनाएंगे और उसके साथ ये बेस बनाएंगे। अब बेस देखा ना, रोटेट कर रही है, दो 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 बेसिस हैं इस दफ़ा, तो ये देखें 3 और 4 आपके बेस आ गए, पार्टनरशिप अब आपकी 5 के साथ बनेगी, क्योंकि लॉजिकली वही आ गए, ठीक है। तो क्या होगा, 3 4 5 और आगे साथ फिर 1 आ जाएगा, 3 4 5, तो आगे लॉजिकली 1 ही आएगा ना। यहाँ पे आप 1 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रिपीट नहीं करेगा, 3 4 5 1 जो है ना, ये कहीं भी नहीं आ रहा, देख लें, तो इसके साथ ही ये ना आपके ये 5 पूरे हो गए, आपके 5 रहते थे, ये देखें ये 5 रहते थे ना, तो इस तरह आपके 32 पूरे हो गए, और आप वैसे भी ये बेस पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, इससे आगे चले नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इसके बाद अगर आप 4 5 को बेस बनाते हैं, तो 4 5 पार्टनरशिप 1 की करेंगे, साथ 2 को लेंगे, तो 4 5 1 2, ये कहीं ना कहीं लिखा होगा, 4 5 1 2 ये लिखा हुआ, तो ये फिर ये ना, ये ऑटोमेटिकली जो है ना, वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा, और आप इससे आगे जाएंगे, लिहाजा आपके वैसे भी ये 5 पूरे हो गए, तो आपने 32 के 32 पूरे लिख लिए। अच्छा, मैं ये क्लेम नहीं करता कि ये बेस्ट तरीका है, आई एम श्योर इससे बेहतर बहुत तरीके हो सकते हैं, और माशाल्लाह आई एम श्योर कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वो अपने दिमाग में बड़ी तेज़ी से 32 के 32 बना सकेंगे इसके, ये देखें 1 2 3 4 5 के, बड़ी तेज़ी से 32 के 32 ये सबसेट लिख सकेंगे, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि अगर कोई फ्रेमवर्क हो तो काफ़ी सारे लोगों को अब फ़ायदा हो सकता है, अगर वो फ्रेमवर्क को समझ लेना कि ये चलता किस तरह है, काम किस तरह करता है, तो इससे ना आपके ना सबसेट बनाने बहुत आसान हो जाएंगे, और फिर उसकी वजह से पावर सेट बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि पावर सेट सबसेट सारे के सारे सबसेट लिखें, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दें, और पी लिखते हैं, और पी के साथ आगे ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में जो सेट था ओरिजिनल उसका नाम लिख दें, ए बी सी जो भी है, तो सीधा साधा आपका पावर सेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फ्रेमवर्क था जो मैंने आपको बताया। अब आखिरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि के की वैल्यू 6 हो, यानी कि सेट में इस तरह लिखा हो, 3 4 5 6, अच्छा ये सेट है। अब सच्ची बात ये है कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करके नहीं देखा, ट्राई करके नहीं देखा, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा बनते हैं ना, 64 बनते हैं, 1 2 जैसे 1 2 3 4 5 6,
मेरा ख्याल है कि आप एग्ज़ाम में कभी भी वो ये नहीं कहेंगे कि आप 64 सबसेट्स लिखें, यानी कि पावर सेट लिखें किसी ऐसे सेट का जिसमें 6 एलिमेंट्स हों, क्योंकि उनके फिर पावर सेट जो है ना वो ए उसके अंदर 64 होंगे। मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो वेस्टेज वाली बात है। मेरा नहीं ख्याल आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन देंगे, लिहाजा मैंने इस कॉन्सेप्ट को आगे एक्सपेंड नहीं किया, और मैं नहीं ज़रूरत समझता कि उसको एक्सपेंड करना चाहिए या उस पर टाइम लगाना चाहिए, लिहाजा मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप वैसे इंटरेस्ट के लिए करना चाहें तो ये जो हमने एक फ्रेमवर्क थोड़ा डिस्कस किया ना, आप में से जो लोग ट्राई करना चाहें तो इस फ्रेमवर्क को ट्राई कर सकें करें, और आई एम श्योर कि 64 इसी फ्रेमवर्क के तहत एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लिख लेंगे। अगेन इस तरीके से आप जब लिखेंगे ना तो आप वो चीज़ मिस नहीं करेंगे। असल में मसला यही होता है कि अगर आप जब डायरेक्टली इसके ऊपर लिखना शुरू कर दें ना, इसके ऊपर सबसेट लिखना शुरू कर दें इसके, तो आपको भूल जाते हैं अच्छा मैंने 1 2 को मिलाया था, 4 को मिलाया था, 5 को मिलाया था कि नहीं मिलाया था, तो आगे पीछे जाए ना तो बड़ा मसला सा हो जाता है। इसलिए मैं इस फ्रेमवर्क की बात कर रहा था। तो इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर इंशाल्लाह जो अगला टॉपिक है ना बुक का, जो कि है 1.1.1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स, उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।